यार इनको तलवारें भी दे तो फिर भी प्यार करना शुरू कर देते ए हैंडसम मेरे साथ खेलेगा डांडिया सो मीन महारानी जी आप महाराजा को वश में रखिए कभी कभी जेठानी जैसी हरकतें कर देते हैं बिपाशा मैं आपको एक बात कहनी चाहूंगा आप बड़े सही वक्त पे आई आपको पता है क्यों क्योंकि कुछ दिन पहले आपने किसी पेपर में या इंटरव्यू में कहा था कि आई एम सिंगल सो यू नो व्हाट इवन आई एम सिंगल एंड रेडी टू मिंगल लेट्स मेक अ जिंगल बिपाशा शांत इतने वैसे शरारती नहीं है पर ही बहुत ज्यादा शरारती इन्होंने तंग तो नहीं किया आपको फिल्म में शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा किस्सा हुआ हो पक्का नहीं बोल किया नहीं वो अभी पे बोल नहीं सकती नेशनल टीवी पे बोल नहीं सकती बोल तो पीठ के पीछे बैठे हुए पीठ पीछे चलती है चुगली पीठ पीछे चलती है तो तुम्हारे पीठ के तो पीछे बैठे हुए ना तो ये मेरे को सुना तो नहीं कुछ क्या बोला पर ये अच्छा लगा जो भी किया तुम्हारा आपने चांटा मारा रणबीर को तमाशा में तमाचा इतने प्यारे हैंडसम लड़के को तमाचा मारा आपने ऐसे क्यों करना पड़ता है ना कभी कभी कितने टाइम निकाल के हमें मारो नहीं तमाचा ही मार दो वो सीन नहीं था जिसमें लड़की ऐसे करके खड़ी होती है पीछे हीरो खड़ा होता है और लड़की खड़ी होती है पांच मिनट मोहतरमा ये वाइट बाल का इशारा की दे रही नीचे कर और सबसे ज्यादा मजा आता पाजी वो सीन में जिसमें वो पेंटिंग बनाता है लड़का ये पेंटिंग बीच में छोड़ के अपनी शायरी शायरी शुरू होती भाई तौबा तेरा जलवा भाई तौबा तेरा जलवा तेरा प्यार पेंटिंग गई तेल लेने होने दे जरा दीदार ठोको माइंड ब्लोइंग कांग्रेसेशनल आई एम जस्ट शुगर कोटेड मैंगो पिकल्स इंप्रेस हो गई इंप्रेस सुपर क्या इंग्लिश है वेरी गुड इंग्लिश या वेरी स्ट्रांग फ्रॉम माय चाइल्डहुड व्हाटएवर दिस सुपर ब्रो आई डोंट केयर सुपर आई डोंट केयर ट्रूली Impressive. You like my English? और फिर मुझे सिगरेट पीने के लोग मना करते हैं ओके वेलकम ऑल टू लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स 2014 अवार्ड फंक्शन जो होते हैं उसमें हम अपनी ग्रेटफुलनेस दिखाते हैं शुक्रिया अदा करते हैं थैंक यू कहते हैं अलग अलग लोगों का जिन्होंने हमें उस साल में एंटरटेन किया है एक्टर्स एक्ट्रेसेस का उनके टैलेंट के लिए प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स का कि अलग अलग विभिन्न किस्म की फिल्में उन्होंने हमारे लिए तैयार की हैं रिस्क लेकर और ऑब्वियसली ऐसे शो के ऑर्गेनाइजर्स का भी मैं बहुत तहे दिल से थैंक यू कहूंगा क्योंकि मुझे बहुत पैसे मिलते हैं जब मैं ये होस्ट करता हूं और आज हमारे पास लाइफ ओके के पास और स्क्रीन के पास बहुत सारे खत आए हैं ऐसे ही थैंक यू कहने के लिए उन लोगों का जिन्होंने 2013 को मेमोरेबल बनाया तो हमारे पोस्टमैन है ये लाइफ ओके स्क्रीन अवार्ड्स के स्पेशल पोस्टमैन है गोपाल जी थैंक यू गोपाल जी मुझे खत दे दीजिए ओके तो पहला खत जो आया है को आया है बीवी बाला सुब्रमण्यम चिन्ना स्वामी मुथु का चेन्नई से और ये लिखते हैं कि मैं रोहित शेट्टी का बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहती है क्योंकि जब मैं स्टार्ट की थी तो मेरे पास एक छोटी सी लुंगी की दुकान थी और जब भी चेन्नई एक्सप्रेस आ गई तो उसके बाद मेरी लुंगी का छोटा सा स्टॉल इतना बड़ा हो गया कि अब मेरे पास है एक लुंगी का मॉल वी डोंट इवन रियलाइज लेकिन हमारी फिल्मों से लोगों का जिंदगी कितनी बदलती रहती है देखिए और दूसरा लेटर मेरे पास आया है मिसेस हरिंदर कौर का ये लिखती हैं कि मेरे चिंटू मिंटू सिंह जो बच्चे हैं हमेशा नान और बटर चिकन खा खा के बहुत मोटे हो गए थे 120 किलो के हो गए थे ये हैं चिंटू इनके छोटे से बच्चे हैं लेकिन इन्होंने फरहान अख्तर और राकेश मेहरा की मिल्खा सिंह देखी तो उससे प्रेरित होकर ये एक्सरसाइज करने लगे और 120 किलो से घटकर ये हो गए 118 किलो ऑलराइट लेकिन कोशिश जारी रखेगा हरिंदर कौर जी और मैं राकेश मेरा और फरहान अख्तर से दरखास्त करूंगा कि प्लीज यार इतनी खूबसूरत फिल्म तुमने बनाई है पार्ट टू तुम्हारे दिल में बनाना हो या ना होना लेकिन मिसेस हरिंदर कौर के लिए पार्ट टू जल्दी से बना दो कि मिल्खा भागता रहे कि और भी वेट लूज करें क्योंकि इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म्स लेट्स हियर इट फॉर भाग मिल्खा मार्क एवरीवन तीसरा लेटर है रणवीर सिंह के नाम पे ये लेटर थोड़ा सा गुस्से वाला है इसमें लिखा है उन्होंने कि रणवीर सिंह जी आपका गाना ततड़ ततड़ हमें बहुत पसंद आया
हम हर पार्टी पे, हर डिस्को में, हर बर्थडे पे तर तर अपने बालों को ऐसे खुजा खुजा के एंटी डैंड्रफ एड की तरह करते रहते हैं। लोग बड़े खुश होते हैं, सामने से बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पीछे से इस गाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम अवार्ड्स का सिलसिला शुरू करते हैं। अगला अवार्ड है बेस्ट स्टोरी के लिए, एंड टू गिव अवे दिस अवार्ड आई लाइक टू इनवाइट ऑन स्टेज माय फ्रेंड अतुल अग्निहोत्री एंड माय फ्रेंड दिव्या दत्ता। गुड इवनिंग एवरीवन, इट्स अ प्रिविलेज टू गिव द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी। वेल, द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्टोरी गोज टू मोहन सिक्का फॉर बीए पास। I can't believe it. Thank you, Ajay Bal, and all the cast and crew of BA Pass. Thank you, Ajay, for giving my story vision in the world. Thank you, Mohan Saab, and keep on rocking. And thank you, Atul, and thank you, Divya. अगला अवार्ड है बेस्ट स्क्रीनप्ले का, और इस अवार्ड को देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा स्टेज पे कुणाल खेमू और वाणी कपूर को। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड इवनिंग एवरीवन। सो द अवार्ड फॉर द बेस्ट स्क्रीनप्ले गोज टू फुरा असरानी फॉर शाहिद, फॉर द फिल्म शाहिद, बेस्ट स्क्रीनप्ले। कंग्रेचुलेशंस समीर, हंसल एंड अपूर्वा। I wanted Sameer and Appu to talk, लेकिन पता नहीं इसके आगे मौका मिलेगा कि नहीं, तो मैंने सोचा मैं ही बोल देता हूँ। हमारी फिल्म का एक डायलॉग था कि वक्त लगता है पर हो जाता है, तो यही है, वक्त लगा है। मैं 15 साल से स्क्रीन अवार्ड जा रहा हूँ और मेरे सारे दोस्त जीतते जाते हैं, तो ये मेरा पहला अवार्ड है, तो थैंक यू। नेक्स्ट अवार्ड इज द बेस्ट डायलॉग। डायलॉग्स के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे प्रेजेंटर्स को, जो हैं विवेक ओबेरॉय एंड स्मिता ठाकरे जी। नमस्कार। एंड द अवार्ड फॉर द बेस्ट डायलॉग गोज टू समीर गौतम सिंह फॉर शाहिद। The dialogues, the actors, I couldn't have done it without them. It was improvised quite a bit, and you guys added up to whatever vision we had and Hansel sir had. So thank you so much. Thank you. This is for the team. Our next award is for the best ensemble cast for 2013. And ensemble cast ko award dene ke liye main aamantrit karna chahunga Kajal Agarwal and Gulshan Grover ko. Al Pacino se naam agar koi pehla hai to wo Gulshan Grover ka hai. Bad man. Love you, thank you. And the award for best ensemble cast, Club 60, Sanjay Tripathi. मुझे सही सही नहीं मालूम है अगर कोई और फिल्म फारूक साहब ने की हो, लेकिन जहां तक मेरा ज्ञान है, जहां तक मुझे मालूम है, क्लब 60 अनफॉर्चुनेटली शायद उनकी आखिरी फिल्म थी जो उन्होंने की है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जूरी, थैंक यू स्क्रीन। एक छोटी फिल्म को आपने बड़ा कर दिया। हम सबकी तरफ से ये अवार्ड में फारूक साहब के लिए एक्सेप्ट करना चाहता हूं। फारूक साहब, दिस इज फॉर यू। हमारा अवार्ड फंक्शन जो है, इट इज सेलिब्रेटिंग द हीरोज। व्हेन आई से हीरोज, आई मीन वो लोग जिन्होंने इस साल में एंटरटेनमेंट में ऐसा काम किया, ऐसा जलवा दिखाया कि जिससे हम लोगों को ज्यादा खुशी मिली है। और इस हीरो सीरीज में पहले हीरो को मैं आपके सामने आमंत्रित करने वाला हूं, एक ऐसे सिंगर, एक ऐसे म्यूजिक क्रिएटर डायरेक्टर जिन्होंने पिछले 3 साल में बहुत नाम कमाया है। लेडीज जेंटलमैन, आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यू सेंसेशनल सिंगर, द वन एंड ओनली यो सिंह, नहीं, हिज नेम इज यो यो हनी सिंह। प्लीज गिव इट अप फॉर हिम।
cheer. Yeah. Welcome, Yo-Yo. गाड़ी भी अच्छी है. ये गाड़ी के साथ ही मिलती है लड़कियां, तो अपने साथ ले घर से लेकर आया. साथ में मिलती है भाई. ओके. एक्चुअली कैसा फील हो रहा है? इतने फेमस हो गए, सब कुछ इतना चल रहा है. हाउ डू यू फील नाउ? बातें यूं हैं कि अपने पे मुझे गालिब सा गुमान है. गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूं, मेरा भी किराए का मकान है. ओहो. इसकी एक प्रॉब्लम है. जब मुझे पहली बार यो-यो मिला था तो सबने मुझे बोला इसके जो लिरिक्स हैं थोड़े रिस्क हैं, थोड़े से डेंजरस हैं, अजीब सी बातें करता है, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ की बहुत जगह है. सब इसने मुझसे यो 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 क्रैकहेड ये सब बोलने के बाद बोला मेरी मम्मी से एक मिनट बात कर लो प्लीज. और दूसरी इसकी जो बुरी आदत है, इससे सीधी बात करो ये सीधा जवाब नहीं दे सकता, हर बात रैप में करता है. तुम ऐसे क्यों करते हो यार? भाई मेरी तो एक ही आदत गंदी, जब भी मुंह खोलता हूँ बन जाती है जुगलबंदी. ये देखो यार, मुझे बताओ, जब आदमी रैपर बनना चाहता है, आर्टिस्ट बनना चाहता है, एक्टर, तो पेरेंट्स को अजीब सा लगता है. वो समझते हैं यार कभी डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए. मैंने सुना तुम्हारे डैडी जी चाहते थे तुम डॉक्टर बन जाओ, आई स्पेशलिस्ट बन जाओ. जी भाई मैं बन गया था, मैं कंपाउंडर बन गया था. कंपाउंडर बन गया था जी. तो क्या हुआ? बस पहली पेशेंट आई एक दिन. तो क्या हुआ? Blue eyes hypnotized teri kar diya mainu I swear choti dress mein warm lagdi si mainu. I should have understood. Agar tum eye specialist banoge to yahi karoge. Maine suna tumhari mummy chah rahi thi ki tum jo hai ladies tailor ban jao, ladkiyon ka petticoat blouse banao. बन गया था भाई, वो भी बन गया था. वो भी बन गया था तुम जी. तो क्या हुआ? लक 28 कुड़ी दा 47 वेस्ट कुड़ी दा कोल बुलावे सीने लावे करदा सी मैं वेट कुड़ी दा. ओहो. और तुम्हारी बुआ की भी एक बड़ी मनोकामना तमन्ना थी कि तुम जो है मौसम विभाग टेलीविजन पे प्रेजेंट करो जी. तो तुम चाह रहे थे, तुमने वो किया? किया था भाई. तो जब टीवी ऑन हुआ तुमसे कहा गया कि मौसम के बारे में बताओ, तो तुमने क्या किया? आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी जानी 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 आ जाओ ऑन द बीच यारा फोटो साड़ी खींच फूटी किस्मत होगी तेरी घर तूने ये बात न मानी. अरे यार कुछ तो बिना रैप के बोल दे यार तू. जैसे मेरा एक डायलॉग है कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है. ये डायलॉग को तू यार बोल के सुना मुझको, मेरे होता है इसका रैप हो ही नहीं सकता. इतनी शिद्दत से मैंने तुझे पाने की कोशिश की है पर तेरे डैडी ने मुझे तुझसे बचाने की कोशिश की है. We can do it. You can do this. Okay, life okay told me कि यहाँ पर जो भी हीरोज आज रात को आए उनसे ऑब्वियसली उनकी परफॉर्मेंस के बारे में बात किया जाए, उनके नाम के बारे में बात किया जाए, लेकिन वो कहाँ से हैं, किधर से हैं, उनकी जिंदगी, बिकॉज लाइफ ओके चैनल डील्स विद दैट, उनके अंदर की जिंदगी, पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ ना कुछ हमारी ऑडियंस को मालूम होना चाहिए, पता चलना चाहिए इवनिंग एंड होने से पहले. सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा यो यो हनी सिंह से कि हमें बताएं कि कहाँ से आए हो और कहाँ जाना चाहते हो भाई. DJ Crackhead.